इस स्कूल में बच्चे म्यांमार से भी पढ़ने के लिए आते हैं। इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे हूँ। ओके, दिस इज द बाउंड्री। हम लोग पहुंच चुके हैं उस स्कूल में। आधा इंडिया में आधा म्यांमार में है ना, और अभी जिस जगह पे मैं हूँ वो इंडिया है। यू आर लिविंग इंडिया। गुड मॉर्निंग। आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू बी बिकम? तो ये म्यांमार से लोग आते हैं इंडिया में। ये है भाई, म्यांमार से लोग लेने आते हैं तेल यहाँ पे। एक इंटरनेशनल बाउंड्री पे हेडमास्टर से है जिसमें म्यांमार से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। ये लोग म्यांमार से हैं। सो गाइस, कल रात को हम लोग यहीं सोए थे। यहाँ पे असम राइफल का कैंप है, यहाँ पे मेरा रहने का अरेंजमेंट कर दिया था। कल मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा ना, मैंने असम राइफल वालों को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को आज पे रुकना है, तो उन्होंने बोला वेलकम है जी, आप हमारे गेस्ट हैं, आइए रुकिए। और आज कल रात को मैं यहीं रुका हुआ था, मेरा डिनर भी यहीं हुआ, ब्रेकफास्ट भी यहीं हुआ। और सुबह सुबह मेरे को एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी, मैंने कहा कि आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये एक हेल्थ चेकअप सेंटर कैंप लगा हुआ है। और ये जो हेल्थ कैंप लगा हुआ है ना, ये हमारे इंडिया के लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ भाई सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये हमारे इंडिया से हैं और कुछ भाई लोग हैं। आप लोग म्यांमार? म्यांमार या ये लोग म्यांमार से हैं। तो यहाँ पे टेस्ट, कौन सा टेस्ट चल रहा है, किस चीज़ का टेस्ट? मलेरिया का टेस्ट चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम इंडिया गवर्नमेंट। इंडिया गवर्नमेंट, तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ऐसा हेल्थ चेकअप सेंटर लगाया जाता है भाई। तो टाइम टाइम पे अलग अलग चीज़ों का ऐसा चेकअप होता है। और ये जो दो भाई लोग हैं, ये म्यांमार के हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोग म्यांमार के आते हैं और ये म्यांमार के लोगों के लिए ही यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मलेरिया का चेकअप, मलेरिया का टेस्ट वगैरह चेक चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे लोगों ने आके अपना अपना ऐसे टेस्ट करवाया है। अभी तक देखो 18 लोगों ने आके अपना टेस्ट करवा लिया है। बाकी ये दो भाई लोग हैं जो कि यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई ये सामने जो आप बाइकें देख रहे हो, बाइकों के ऊपर ये कैने रखी हुई हैं। तो ये म्यांमार से लोग आते हैं इंडिया में पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिलता नहीं। तो इनकी मोस्टली चीज़ें ना इंडिया से ही जाती हैं, इसी तरीके से राशन वगैरह भी सब इंडिया से जाता है इनका। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अपना सारा सामान वगैरह मैं पैक करता हूँ, अपना सामान लेके आ गया। अब यहाँ पे असम राइफल के कैंप से हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पे ना एक डॉक्टर सर थे जो मतलब सबको देखते हैं, तो उन्होंने, वो दिल्ली गए थे, उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन वगैरह दी है। उन्होंने बोला जो आपको मेडिसिन चाहिए मेरे को बताओ, आप ले जाओ, मैंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने, मैंने कहा मेरे को कुछ मेडिसिन ऐसे मैं कैरी भी नहीं कर रहा हूँ, चाहिए भी नहीं। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें दी थी कि आप ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, आपके काम आएगा। लेकिन मैंने बस जो मेरे को थोड़ा सा ज़रूरत की चीज़ें लगी मैंने वो ली है। ये मतलब पेट खराब के लिए, गैस के लिए, और ये पेन किलर, और जैसे कभी अगर चोट वोट लग जाए ये। बाकी उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी दवाई दे दी थी कि आपके काम आएंगी, मतलब जैसे वो गर्म पट्टी होती है वो सब। तो मैंने वापस कर दिया कि नहीं, मेरे लिए ये इनफ है, मैं ले तो लूँगा लेकिन कैरी करने का प्रॉब्लम, फिर वो वेस्ट ही होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये अगर मेरे को ज़रूरत भी ना पड़े तो मैं किसी को दे सकता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो। इनको रख लेते। ओके गाइस, अब निकलते हैं असम राइफल के कैंप से। यू आर लिविंग इंडिया। एक फ़ोटो खींचनी है मेरे को यहाँ पे। भाई सामने वाला पहाड़ देख रहे हो, उस पहाड़ पे एक आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वो म्यांमार का चर्च है। तो अभी यहाँ पे एक दान करके गांव है, वो गांव में चलेंगे। बाकी भाई इस कैंप में जितने भी अफसर थे ना, जितने भी अफसर और जितने भी सोल्जर, सबसे मैं मिला। और मेरे को मतलब इस बात से बहुत प्राउड हो रहा है कि उनमें से लगभग 7 से 8 लोग जो हमारे सोल्जर हैं वो मेरी वीडियोस पहले से देखते थे, और उन्होंने मेरी पूरी मतलब नॉर्थ ईस्ट की सीरीज़ फॉलो करी है, पूरी सीरीज़। इन रास्तों से सही सलामत निकल जाऊँ भाई, बड़े ख़राब रास्ते हैं यार भाई। मेरे जो टायर है ना बाइक के, ख़त्म हो चुके हैं, डेड है, मेरे को टायर चेंज करवाने ही पड़ेंगे। ये क्या है भाई? हेलो, ओके, ये क्या भाई, पेट्रोल? नहीं, आप पेट्रोल बेच रहे? हाँ। कितने का है? 150, 150, 115, 115। ओके, तो ये सारे म्यांमार से लोग लेने आते हैं तेल यहाँ पे। हाँ, म्यांमार से आते हैं तेल लेने? नहीं, 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 इंडिया से। म्यांमार से भी तो आते हैं? ठीक ठीक है। ओके, तो ये इतना सारा तेल आपके पास,
क्या बात है, बात थोड़ा सिचुएशन खराब है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, सप्लाई करता है बिजनेस, पब्लिक को मदद करता है। हाँ, उसको पब्लिक को मदद करता है। अच्छा, पब्लिक को मदद करते हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। ठीक है, रेट भी आप ठीक ही दे रहे हो, 115। हाँ, मैं दिल्ली भट्टी, यहाँ से दिल्ली भट्टी। क्या बोला क्या बोला? हाँ, फंसा। ओह, ओके भाई साहब, या तो तेल तेल की तरह पानी बिक रहा है, पानी की तरह तेल बिक रहा है। चलो बढ़िया। और भाई कैसे हो तुम? तो वहाँ पे थे ना, चेकअप करवा रहे थे। चलो भाई, थैंक यू, फिर मिलता है। हमारा चैनल है यूट्यूब पे, देखना। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बाय बाय। अभी रिकॉर्डिंग हो गया? हाँ, अब यहाँ मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, आपका नाम? डोनिया। डॉन, डोनिया, विक्की। आपका नाम? शेंग, सिंग इज किंग। चलो बढ़िया लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। ये भाई, इनकी शायद पुलिस की चौकी है लास्ट, इसके बाद हमारी आर्मी की है, मतलब असम राइफल की है। और ये जो गांव है ना, इसका नाम है दान, इसको ITC दान बोलते हैं। और ये दान दो पार्ट में डिवाइड है, एक ये नीचे वाला दान है, ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है लोअर दान, और अभी हम लोग जाएंगे अपर दान में। और जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे इस दान विलेज में, इनके सबके मतलब मोस्टली सारे लोगों के रिश्तेदार वगैरह म्यांमार वाले गांव में है। यहाँ से एक गांव पड़ता है, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन काफी बड़ी बस्ती है। ये है भाई दान विलेज, लोअर दान। इनके घर देखो यार कैसे, मतलब बहुत पुराने टाइप के घर बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी घर हैं वो इसी टाइप के हैं, बहुत पुराने टाइप के घर हैं। बाकी जब अभी हम पशांग में चलेंगे या आगे दान अपर दान में चलेंगे ना, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग घर बने हुए हैं। सर ये है फुटबॉल ग्राउंड, ये है फुटबॉल ग्राउंड, और अभी जिस जगह पे मैं हूँ वो इंडिया है। वहाँ पे सामने आपको एक वाइट कलर का पिल्लर दिख रहा होगा उस तरफ, भाई साहब इसमें सांप भी हो सकता है। मेरे को सांप से बड़ा डर लगता है भाई। तो वहाँ पे ना एक वाइट कलर का पिल्लर लगा हुआ है, वो जो वाइट पिल्लर है वो उसके उस तरफ से पूरा म्यांमार है, और वाइट पिल्लर के इस तरफ इंडिया है। सुबह ही अभी ना यहाँ पे एक स्कूल है, वो स्कूल जो मैं आपको बता रहा था वहाँ भी जाएंगे। वो स्कूल किधर है? स्कूल रोड जा रहा है। हाँ, प्राइवेट स्कूल जो आधा आधा इंडिया में आधा म्यांमार में है ना, उसको ये वो एक रास्ता। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। यहाँ भी लोगों को हिंदी बोलनी आ रही है। यहाँ से ना दो रास्ते जा रहे हैं, एक ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता मैं कल आया था इस रास्ते से, मेरे को लग रहा है इस रास्ते से जाना होगा गांव में जाने के लिए, लेकिन रास्ता पता नहीं कैसा होगा भाई। जैसा भी होगा चलते हैं। रोड़े देख लो, उधर की रोड़े कैसी हैं। स्कूल किधर है? स्कूल, स्कूल स्कूल है ना यहाँ पे, एक स्कूल, स्कूल स्कूल हाँ। किधर है? किधर से रास्ता, किधर से? GBS ना, हाँ, जिसमें म्यांमार से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। जो दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है बॉर्डर पे है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे। इधर जाओ ना, रोड 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 हाँ। इनका घोरा होता है,
काउंसिल हॉल है ना। अच्छा काउंसिल हॉल तो रोड जा रहा है बाइक जाएगा जाएगा ठीक है। तो यहाँ में आएगा फिर यहाँ भी जंक्शन है तो एक किलोमीटर पहुँच जाएगा। एक किलोमीटर होगा ठीक है। चलो धन्यवाद। आपका नाम? खन्यू। खन्यू हम मिलेगा ना? हाँ आप किन का अपनी जाने वो ना जाने वो जाने ऊपर आप चलेगा क्या? चलेगा। कैसा चलेगा बाइक आपके पास? चलो भैया पानी मिलेगा जल? हाँ आपका बच्चा मेरे को देख के डर रहा है क्या? मुझे लग रहा है भाग रहा है मेरे को देख देख के। देखो हेलो हेलो चलो भाई मैंने भैया को पानी के लिए पूछा बाकी इसी बहाने हम इनका घर भी देख लेंगे। मक्का भाई साहब मुर्गी तो बड़ा तगड़ा तगड़ा है आपका। आप खेमिंगन ट्राइब के हैं? सो भाई फाइनली हम तान गांव के किसी घर में आ चुके हैं मतलब इंडिया का लास्ट गांव और वहां पे हम किसी घर में। ये अपर तांग है ना अपर दान जो भी जहां पे मैं बैठा हुआ था बेंच में वो लोअर दान था। और वैसे ही है सेम सेम यार जैसा मिजोरम में भी मतलब गांव साइड में नेपाल के गांव साइड में उत्तराखंड के गांव साइड में हर जगह इसी टाइप के किचन होते हैं। बाकी ऐसी इस तरीके से बड़ी सी अलमारी लगा रखी है उसमें सारे बर्तन वगैरह अपने सजा के रखे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? खिंजो। तो ये लगा हुआ है चूल्हा तो आप हमको स्कूल लेके जाएंगे? चलो ठीक है। यहाँ पे ठंडा तो बहुत होता होगा? ठंडा तो विशेष और है ना भाई मेरे को अब पता लगा मेरे को प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा एक ग्लास पानी पीला उसके बाद ही प्यास नहीं बुझी गया। यहाँ पे सबके पास यही वाला बाइक है ना? पैसा कितना पैसा का आता है ये? हाँ 60,000 का नया। और कितना सीसी है ये? 125 भाई साहब बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाले टायर लगे इनमें। तो चले भाई चले बड़े भैया हमारे साथ में जा रहे हैं। इन्होंने हमको चाय पाने के लिए भी पूछा कि चाय वगैरह पियोगे लेकिन यार बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो भाई साहब नहीं रुके तो हम क्या रुके हम भी चलते हैं। भाई उनकी बाइक में ना ऑफ रोडिंग टायर लगे हुए हैं तो मेरी बाइक के ऑफ रोडिंग टायर घिस चुके हैं। यहाँ से बताया इन्होंने 1 किलोमीटर का रास्ता है और बाइक हमारी आराम से चली जाएगी वहाँ तक। ये वाला शायद गवर्नमेंट स्कूल है और हम जिस स्कूल में जा रहे हैं ना वो प्राइवेट स्कूल होगा। आई थिंक हम लोग पहुँच चुके हैं IDC डैन म्यांमार बाउंड्री। इधर परमिशन लेना पड़ेगा पहले वीडियो बनाने से पहले। हाँ पहले परमिशन ले लेते हैं फिर वीडियो बनाएंगे। गाइज हाँ हम लोग पहुँच चुके हैं उस स्कूल में जहाँ पे जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री पे है मतलब जब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना इसके जो बगल में जो एरिया है वो शायद म्यांमार है। बाकी अभी मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ अभी जो यहाँ के ऑथराइज पर्सन है उनसे पूछ के बताऊँगा। बाकी ये स्कूल है भाई इस स्कूल में बच्चे म्यांमार से भी पढ़ने के लिए आते हैं और हमारे इंडिया से तो पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल ये इंडिया में है। ओके सो वी हैव हेड मास्टर हियर और हेड मास्टर बहुत यंग है यार आप तो कॉलेज स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं। No, I finished my studies. You finished your studies? Yes. So, what's your name, sir? My name is Imna. Imna. And I'm from Mokokchung district. Oh, wow. I'm not from here. Okay. Mokokchung is so beautiful. Yes, I visit there. Yes. Okay. So, ye class LKG hai? Yes, LKG. Can I go inside? Yes, sure. You will go first? Yes, yes, sure. Hello, good morning, sir. Good morning. Hello. हाय ओके सिट डाउन बाय बाय। तो अभी ओके
senior most class. This is senior most class, class 10th. Hello, family leaders. Good morning. This is the first page to appear class 10 exam. Okay. We got the permit from education department this year. Okay, so in this class, Myanmar student also? Both mix. Both mix. We don't call Myanmar, we just call them students. Yeah, yeah, that's good. Outside, they can call whatever they want. Yes, but yes, inside, yes. We don't differentiate like India, Myanmar. That's good, that's they good, that's good. Students, they are studying for education. Okay. Hello, students, how are you? You can ask them questions. Okay. Just look it in right with Hello. Sit down. So, what's your name? My name is Yamgu. Huh? Name Gu. Okay. So you are studying class 10th. Class 10? Yes. Class 10. Okay. Why you are speaking so slow? Okay. Hello. How are you guys? How are you? What's your name? My name is Ayam. Huh? Ayam. Ayam. Yes, my name is Q. Q. Yes. Okay. Nice to meet you guys. So which class you are studying? Class 10th. Class 1 or class 10? So what do you want to become? Army officer. Army officer, police officer. Okay, and you? Army officer. Hello, what's your name? My name is Lichan. Lichan. Sorry, I think I'm pronouncing your name wrong. Hello, what's your name? My name is Pham. And what do you want to become when you grow old? Teacher. And you? Teacher. Bye-bye. Enjoy. Bye-bye. And this is my office. You can just enter and sit. Okay. So... Germany. Football. Oh, wow. German fans. German people are crazy about exploring. That what I love about them. Traveling is one of the best thing how we can connect with people, no? Yes. It's all about connecting with people. And this is the staff room. This is staff room. Yeah. Okay. I followed your general deal. You entered in Northeast. Ungma. Oh, Ungma. Yes, yes. He's our German. Chairman, he's sir. He's the owner of the school. This is private school, no? This is a private school, non-sponsored. Non-sponsored. And it belongs to our chairman, Dr. Adam J. Okay, okay. He's a lecturer in Mohok Chung Fazali College. Okay. There is a college, no? Yes, yes, Fazali yes, yes. College. He's from Maths Department. Okay. He did his PhD in Uttar Pradesh. Okay, UP. Yes, oh, yes. Wow. It's okay. No harm in that. So, you have a class nursery till 10th? Nursery to 10th. Yes. Okay. It's class 5. Class 5. Okay. Class 7. This is class 7. Okay. And actually, we have so many interesting students. They have the potential. Mm-hmm. All they need is some push. Okay. Because I feel happy is like the first batch of the students here. Now, some of them are taking engineering till Kerala. Punjab. Oh wow. The first batch 2010 students. Okay. Actually it was only the three class mm-hmm. A, B and 1. Mm-hmm. But now because of the increase of the parents and the mm-hmm. students, we have to upgrade the school. They have the potential here to study. All they need is a platform. So yes. We are just trying our best in a small sure. way. Sure. And these paintings, we did it in COVID 2020 and 21 during the COVID situation. Mm. Since we cannot take class for 6 months, we just invested our time in painting. Wow. So, you did this painting? Okay. Together with me, one partner. Okay. So, we stayed here for nearly 6 months during the COVID time. Okay. This is bell? This is a bell, yeah. Okay. School bell. Wow. Actually, we had the... electronic one also, but okay. The current it is not good that much. No? Okay. Like turning up and down. And what is your name? My name is Vicky. Vicky Negi. Vicky Negi. School is in Indian boundary, na? India. School is in Indian boundary. Okay. So and where is Burma? Yes, Burma boundary. My favorite YouTuber is the Dutch female rider, no? Itching Boot? Yes. Mine also. So you spent up there last night? Yes. In the camp? Yes. Actually, that major is a good guy. Yeah, major I met him. There, no? He offered me coffee, beer. Yeah, he's a good guy. He's also from south part of India. Bangalore. Yeah. So this is the boundary.
Okay, this is the boundary. Russia and Myanmar. This so side is Myanmar. It's inside India. Okay. And it, this side, it belongs to Myanmar. Okay. That is what the government says. But the people, it belongs to just one tribe, Tamingans. It is just divided because without their knowledge. They don't know about that. Because the forefathers, no? Mm-hmm. Without their knowledge, they put the boundary. Okay, they don't know. Indian and the Myanmar government. Oh. They divided and they don't know about that. The landowners don't know that this is the boundary. Okay. When they were putting up the pillars. Oh. Because nothing is separating them since their forefathers' time. Hmm. It just belongs to one tribe, Kamingan. Kamingan. Yes, yes. So you also belong from Kamingam? I belong to Ao tribe. Ao tribe. Oh, Mokuk Singh is Ao. That's the yeah. place where you stayed. No? Yes, yes, yes. These people also good. And that village is, I think, the largest Ao tribe village. Biggest. That is Ungma. Ungma. Yeah. Okay. And that side is all Myanmar. They say it's Myanmar. But only the same people are there. Kamingan, Kamingan. Mm-hmm. Okay. And we have one teacher there also. Oh. Nearby village. Bye bye, give me bye bye. Bye bye. बाय बाय. सो भाई यहाँ पे सीन क्या है ना कि ये क्लास कौन सा क्लास विच क्लास. हेलो तो भाई ये चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. ये ना शायद फर्स्ट क्लास के या नर्सरी एलकेजी क्लास के बच्चे होंगे. तो जो हेड मास्टर है ना, तो हेड मास्टर सर इनको बिल्कुल गेट तक छोड़ने के लिए आए हैं सारे बच्चों को. ये देख रहे हो इस तरीके से बच्चे लोग जा रहे हैं. और हेड मास्टर सबसे आगे जो है ना वो हेड मास्टर है, तो वो गेट तक इनको छोड़ने के लिए आए हैं. ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी यार. हमारे टाइम में नहीं होता था, हेड मास्टर तो हमारा बैग उठा के बाहर फेंक देता है, जाओ. तो ये बढ़िया यार. तो भाई यहाँ पे मतलब इस समय मतलब इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे हूँ, और मतलब ये यहाँ के स्कूल का स्टैंडर्ड देख के ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है स्कूल का. काफ़ी अच्छी एजुकेशन इनको मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि इतने एजुकेटेड यहाँ पे टीचर है. मतलब स्कूल भी देखो और बच्चे भी देखो, प्रॉपर ड्रेस में है, पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों ने पहना हुआ है, और अच्छे से सारी क्लासें लग रही हैं. मतलब जितने भी क्लासें हैं ना, सारे क्लासों में बच्चे बैठे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे और टीचर अवेलेबल थे. बाकी और कहीं जाओगे तो अब ऐसा मिलता नहीं है. मतलब इतने अंदर आके इस स्कूल में ऐसा मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है. और ये सामने सर हेडमास्टर सर. सो भाई ये था स्कूल. इस स्कूल का नाम है स्टेट वे मिशन स्कूल. और ये ना इसका जो मेन स्कूल है वो मोकोचुंग में है, तो ये उसी का सबसाइडरी है. तो ये वाला जो स्कूल है ये क्लास 10 तक है. इसके बाद अगर किसी को जैसे एजुकेशन चाहिए तो वो शायद मोकोचुंग में जाते होंगे. बिल्कुल यहाँ पे एक ना गवर्नमेंट स्कूल भी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को इतने बच्चे नहीं देखे जितना इसी स्कूल में है. ये एक प्राइवेट स्कूल है. ओके ओके ओके. दैट टाइम एक्चुअली ये ना घूम गया था. ये ऐसा हो जाता है. आप एक बेकरी या शॉप में बोल रहा था ना. हाँ हाँ हाँ. यस यस यस. सो ओके सर, नाइस टू मीट यू अगेन. फिर मिलते हैं. यू नो हिंदी लिटिल बिट? थोड़ा थोड़ा. ओके. और सबसे अच्छी बात कि सर मेरे को पहले से जानते थे, तो वो जान के मेरे को अच्छा लगा कि भाई ऐसी जगह पे मैं आया, इतने कॉर्नर पे, वह भी मेरे को देखने वाले हैं. सो यू लाइक माई कॉन्टेंट? Yeah, it's informative. Informative. Actually, if it is traveling places and giving information, knowledge, then it's a good thing. Okay. So, sir, okay. Nice to meet you again. Alright, sir. Bye-bye. Bye-bye. फिर मिलते हैं. Okay, guys, निकलते हैं स्कूल से. और अभी ना ये जो सर थे इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है भाई. मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन दी, बहुत कंटेंट दिया. और उसके बाद उन्होंने मेरा सब रहने की व्यवस्था सारी उन्होंने कर दी है. उन्होंने मेरे को ये बोला है कि अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ में मेरे क्वार्टर में रह सकते हो. बाकी उन्होंने मेरे को एक टीचर से मिलवाया, वो पांगशा के हैं, ओल्ड पांगशा के. और भाई ये जो दो विलेज है ना, पांगशा, ओल्ड पांगशा, न्यू पांगशा, भाई बहुत कुछ है इस विलेज में देखने के लिए और दिखाने के लिए. काफ़ी सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी विलेज में. ये जो स्कूल की छुट्टी है वो होती है 2 बजे, तो 2:15 तक सारे टीचर फ्री हो जाते हैं. तो
सर ने मेरे को बोला है, जो हेडमास्टर सर थे उन्होंने मेरे को बोला है कि आप एक काम करो, आप ना 2 बजे तक ना भाई साहब जो मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, आप उनके घर में वेट कर लो, तो 2 बजे तक मैं भाई साहब के घर में स्टे करने वाला हूँ, उसके बाद हम चलेंगे पांगशा की तरफ, ओल्ड पांगशा चलेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको न्यू पांगशा लेके जाऊँगा। भाई बारिश स्टार्ट हो गई है और मेरा जो सामान है ना सारा भीग ना जाए, तो मेरे बिना बोले भाई साहब पन्नी लेके आ गए यार, क्रेजी। तो आने वाले कुछ व्लॉग्स में ना आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ना नागालैंड, आई प्रॉमिस कि आपने किसी के व्लॉग में वो चीज़ें नहीं देखी होंगी। बाकी नीचे पूरा ये शायद डान गांव है, डान